हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी लवर। सो दिस इज़ द पार्ट सेकेंड ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, क्लास 12th बायोलॉजी। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इट्सेल्फ। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स उनके जैसे ही यंग वंस या फिर कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। द ऑफस्प्रिंग्स ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न रिप्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स। तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, देन मैच्योर होते हैं और इन टर्न वो फिर से रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। दस देर इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो ये जो साइकिल है बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ की, ये चलती जाती है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो जो रिप्रोडक्शन ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज पॉसिबल है और जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5। तो अब हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड, और जेनेटिक वेरिएशन कैसे होता है एंड इनहेरिटेटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ओके, देर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। तो जैसा कि हमें पता है कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे वर्ल्ड में, एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो ऑर्गेनिज्म को कुछ तो मैकेनिज्म चाहिए होगा ना मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो अब हम उन मैकेनिज्म को आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेड, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस। तो जो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेड होता है, उनकी जो इंटरनल फिजियोलॉजी होती है और बहुत से अदर फैक्टर्स जो होते हैं, वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। बेस्ड ऑन वेदर देर इज़ अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिजम्स और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हम डिस्टिंग्विश करेंगे रिप्रोडक्शन को टू टाइप्स में, इन विच हम जिसमें हम देखेंगे कि कितने ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन हो रहा है रिप्रोडक्शन में। ओके, तो मेनली होते हैं दो टाइप के रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। तो जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, दैट मीन्स कि सिर्फ सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, जिसमें एक होता है मेल एंड सेकेंड होता है फीमेल, इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस, जिसमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। तो इस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस मैथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। ओके, और वो नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वन अनादर बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। तो इसका मतलब यह है कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं वो ना ही सिर्फ आइडेंटिकल होते हैं बट एग्जैक्ट कॉपी भी होते हैं उनके पेरेंट्स के जैसे। आर दीज ऑफस्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? उसका आंसर होगा येस, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ओके, द टर्म क्लोन्स इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ओके, तो क्लोन्स क्या होता है अब हम पढ़ेंगे। तो क्लोन क्या होता है? अ क्लोन इज़ एनी सेल और इंडिविजुअल विच इज़ आइडेंटिकल टू अनादर। तो क्लोन एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि दूसरे से सिमिलर होता है, दैट मीन्स आइडेंटिकल होता है। दैट मीन्स क्लोनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग वन और मोर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल। तो क्लोनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, द टर्म क्लोन इज़ यूज
to describe such morphologically and genetically similar individual. तो morphologically का मतलब क्या होता है कि जो individuals produce होते हैं वो दिखने में कैसे हैं, और genetically का मतलब होता है कि उनमें जो DNA present होता है वो एक जैसा है या नहीं, तो इसे हम बोलेंगे genetically similar individuals. Okay. तो जैसा कि इस फिगर में दे रखा है, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बडिंग इन यीस्ट एंड बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा. ओके, सो वी विल स्टडी दिस इन दिस नेक्स्ट पैराग्राफ इन डिटेल. लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज. तो अब हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हमें कॉमनली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. और कुछ प्लांट और एनिमल्स जिनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल होता है, उनमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं. इन प्रोटिस्ट्स एंड मोनेरियंस द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. तो जो प्रोटिस्ट होते हैं, प्रोटिस्ट जैसा कि आपने आपको पता होगा, प्रोटिस्ट आर अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, और मोनेरियंस क्या होते हैं, जो किंगडम मोनेरा में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं विथ प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन. जैसा कि एग्जांपल हमें पता है मोनेरा का बैक्टीरिया होता है, दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. तो ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं. ओके, द ऑर्गेनिजम्स और द पेरेंट सेल डिवाइड इंटू टू. तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनके जो पेरेंट सेल होता है उनमें डिवीजन होता है, जिससे कि वो दो न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं. दस इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो इन ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होता है ना, वो एक तरह का रिप्रोडक्शन ही होता है. मेनली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन. तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेनली बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ही डिवीजन करते हैं, सेल डिवीजन पॉसिबल है उनमें. वेयर अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स. तो इसमें क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन में जो एक सेल होता है वो दो हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन अडल्ट. और हर एक पार्ट डिवाइड होकर के एक अडल्ट बना लेता है. इसका एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम. इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन्स अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर्स इनटू न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म सेल्स. तो यीस्ट में हम देखते हैं कि डिवीजन अनइक्वल होता है और स्मॉल स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि शुरुआत में तो पेरेंट सेल से अटैच्ड होते हैं बट इवेंचुअली सेपरेट हो जाते हैं और एक मैच्योर न्यू यीस्ट ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं. मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गे रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. तो जैसा कि हमने देखा कि मेंबर्स जो होते हैं फंजाई किंगडम के और सिंपल प्लांट्स जैसा कि एल्गे है, तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. द मोस्ट कॉमन ऑफ दी स्ट्रक्चर, तो इसमें मोस्ट कॉमन एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं ज़ूस्पोर्स, दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर. तो इसका मतलब ये कि बहुत माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे, और मोटाइल का मतलब होता है मूवेबल, जो बहुत छोटे स्ट्रक्चर जो कि मूव कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं ज़ूस्पोर्स. अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया. कोनिडिया हमें देखने को मिलता है पेनिसिलियम में, ऐसा ही इसी टाइप का स्ट्रक्चर. देन सेकेंड इज बर्ड्स इन हाइड्रा एंड गेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस. ओके, तो अब हम इनके डायग्राम्स देखेंगे. तो फिगर ए में बताया गया है ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, एंड बी में बताया गया है कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम. जैसा कि आप देख सकते हैं दीज सर्कल लाइक स्ट्रक्चर. एंड सी में बताया गया है बर्ड्स इन हाइड्रा, एंड फोर्थ में बताया गया है गेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस. ओके, so we will move forward now. You have learnt vegetative reproduction in plants in class 11th. तो जैसा कि हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में क्लास 9th में पढ़ रखा है, what do you think, is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? Why do you say so? Is the term clone applicable
टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इसका आंसर होगा येस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ओनली वन प्लांट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इसका आंसर होगा येस, द टर्म क्लोन इज एप्लीकेबल टू द ऑफस्प्रिंग्स रिजल्टेड बाय वेजिटेटिव बिकॉज ऑफस्प्रिंग्स आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हाइल इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएबिग्यूअसली इन प्लांट्स, तो अनएबिग्यूअसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, आप कह सकते हैं क्लियरली। तो जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिनमें जो टर्म यूज होता है वो एसेक्सुअली अनएबिग्यूअसली यूज होता है। इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज, और प्लांट्स में देखें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम यूज करते हैं। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सच एज रनर्स, राइजोम, सकर्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट्स, बल्ब्स आर ऑल कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, तो जो सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स हैं ये क्या करते हैं कि नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स, तो इन्हें क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स बोला जाता है। Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, और ये जो formation होता है structure का, और इसमें single parent ही involve होता है, दो parents involve नहीं होता है, क्योंकि ये process क्या है, asexual है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ vegetative propagules को figure में। जैसा कि figure A में बताया गया है, eyes of potato जो कि इससे अलग होके एक नया पोटैटो प्लांट ग्रो कर सकते हैं हम। सेकेंड इज बी इज राइजोम ऑफ जिंजर, एंड सी इज बल्बिल ऑफ अगेव, एंड डी इज लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, एंड ई इज ऑफसेट ऑफ वाटर हाइकिंस। ओके,